नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना नंदा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ फैब मॉरल स्टोरी की एक स्टोरी। मिस्टर निगम सुबह सुबह कुछ ढूंढ रहे थे। वो कभी इस जगह देखते, कभी उस जगह देखते, कभी ड्रेसिंग टेबल में देखते, कभी डाइनिंग टेबल पे देखते, लेकिन जो चीज ढूंढ रहे थे उनको नहीं मिल रही थी। मिसेज निगम की नींद खुली और उन्होंने कहा, क्या सुबह सुबह को आराम मचा रखा है, सोने भी नहीं देते चैन से। और चलेगी सीधी किचन में, चाय का पानी चढ़ा दिया। मिस्टर निगम को थोड़ी शांति मिली, उन्होंने आके कहा, मेरा चश्मा ढूंढ दो, मुझे जाना है। तुम्हें पता मेरा दूर का चश्मा कहीं नहीं मिल रहा। मैंने बोला, रोज कुछ ना कुछ घुमा देते हो अपनी चीजें और फिर मेरे को ढूंढने के काम पे लगा देते हो। चलो ठीक है, मैं चाय बना के लाती हूँ फिर ढूंढती हूँ। उन्होंने बोला, तुम्हें पता है कि मेरे दोस्त मेरा इंतजार मेरे को जाने में मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे लेट हो रहा है। उन बुढ़े दोस्तों के लिए तुम्हारा लेट हो रहा है, सिर्फ गप्पी तो मारनी है पार्क में जाके। अरे यार, मेरा डायबिटीज है, मैं नहीं वॉक करूंगा तो मेरा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, मुझे जाना है। और उन्होंने ऐसे कहा, मिसेस निगम ने दो कप चाय के पकड़े, एक उनको पकड़ा है और खुद पकड़ा और लिविंग रूम में आ गई। बोली, उन दोस्तों के लिए तुम्हें हमेशा देर होती रहती है, मेरे लिए एक कप चाय तो पी लो। 30 साल के बाद हम शहर में लौटे हैं। बोली, शहर में लौटे तो क्या हुआ, बेटे ने तो बोला था बेंगलोर आके उनके पास रहो, हम दोनों का ही फैसला था कि हम नहीं रहेंगे, अब मुझे ताने मत सुनाओ। उन्होंने बोला कि ये जगह अब अनजान नहीं है, ये हमारे बचपन की जगह है जहाँ हम पले बड़े हैं, लेकिन कुछ अपरिचित लोग अब आ गए हैं, उनसे परिचित तो करना पड़ेगा। तो अब उन्होंने बोला, अच्छा ठीक है, तुम मेरा चश्मा दे रही हो कि मैं ऐसे जाऊं? हाँ हाँ जाओ जाओ, फिर गिर जाना ठोकर खा के, हड्डियां तोड़वा लेना और फिर मुझे ही परेशान करना, परेशानी तो मुझे ही होगी। वो बोले, अरे भगवान, मैं तुम्हारे साथ चाय पी रहा हूँ, अब तो चश्मा दे दो। तो वो उन्होंने चश्मा लाया और वो कहने लगी कि तुम जानते हो कि तुम रात को जल्दी सो जाते हो और जल्दी उठते हो और बाहर से कुंडी लगा के वॉकिंग के लिए चले जाते हो, और मैं जब उठती हूँ तो पूरा घर वीराना सा होता है, मैं परेशान हो जाती हूँ, सोचती हूँ कि अगर तुम ऐसे ही पहले चले जाओगे तो क्या मेरी जिंदगी पूरी वीरान हो जाएगी, क्या मैं ऐसे ही रहूंगी? ये कुछ पल हैं जो हम साथ मिल के बिताएं, और सुबह की चाय, मॉर्निंग वॉक तो मॉर्निंग टी तो इकट्ठी पिया करें। यहाँ लोगों की बात करते हो कि लोग नहीं रहे, यहाँ तो अपने ही मॉर्निंग टी में साथ नहीं दे रहे। उस दिन मिस्टर निगम का मन नहीं लगा, ना वॉकिंग में लगा, ना दोस्तों में लगा, घर आके सोचते रहे कि आज इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। तो वो लेटे हुए ऐसे वो छत की तरफ घूर रहे थे कि उनकी नजर पड़ी इधर उधर कि मिसेज निगम ने उनकी मॉर्निंग उनकी जो स्टिक है वॉकिंग स्टिक वो मशीन के पीछे छुपा दी। तब उनको समझ में आया कि वो नहीं भूलते थे, मिसेज निगम उनका कभी चश्मा, कभी जूते, कभी वॉकिंग स्टिक छुपा देती, जिसकी वजह से उनको वॉकिंग के लिए देर हो जाती, वो उनके साथ बैठ के थोड़ी सी चाय पीते और तब वो ढूंढ के उनको देती तो ये बाहर जाते। तो दोस्तों, ये छोटी सी प्यार, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है प्यार में नजदीकियां आती जाती हैं, हमें एक दूसरे के साथ थोड़ा समय व्यतीत करें, ना जाने किसकी ट्रेन कब आ जाए और कब चला जाए, अपनों में थोड़ा प्यार बांटें, थोड़ा उनके साथ रहें, नजदीकियां बढ़ती चली जाएंगी। नमस्कार, जय हिंद।